कहते हैं कि जल ही जीवन है और इस भीषण गर्मी में जल ना मिले तो जीवन यापन करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि ऐसा ही इन दिनों में इस तपती धूप में गिरिपार क्षेत्र के खजियार गांव में किसानों को पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। यही नहीं, गांव की महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, स्कूली बच्चे खड़ी पहाड़ी में पानी ढोकर घर पहुंचा रहे हैं। पुरानी पाइप लाइन ठप पड़ी हुई है और नई योजना अधर में लटकी हुई है। विभाग से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। कहते हैं कि जल ही जीवन है और इस भीषण गर्मी में जल ना मिले तो जीवन यापन करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है, ये बात सभी जानते हैं। ऐसा ही इन दिनों इस तपती धूप में गिरिपार क्षेत्र के खजियार गांव में किसानों को पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। यही नहीं, गांव की महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग व स्कूली बच्चे खड़ी पहाड़ी से पानी ढोकर घर पर पहुँचा रहे हैं। पुरानी पाइपलाइन ठप पड़ी हुई है, वही नई योजना अधर में लटकी पड़ी है। विभाग से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है, जिसका खामियाजा यहां के वंशीदों को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि चढ़ाई देखने को भी डर लगता है। ग्रामीण पानी के बर्तन ढोकर घर पहुंचा रहे हैं। हालत ये हो चुकी है कि इकट्ठा हुआ तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर है। किसान यही नहीं, उसी गंदे पानी में कई बार महिलाओं को अपने कपड़े भी वहीं धोने पड़ते हैं। इस पर गंभीर समस्या का जीवन आधार नहीं हो पा रहा है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कई लोग इस इकट्ठे पानी से बीमार हो सकते हैं। अब गांव के युवाओं ने मन बना लिया है कि विभाग का घेराव किया जाएगा और पानी की मांग की जाएगी, क्योंकि कई वर्षों से इस समस्या को झेल रहे हैं। अब इस भीषण गर्मी के प्रकोप में पानी न मिलने से घरों में हाहाकार मचा हुआ है। गाँव की महिलाएं भी पानी ढोकर अब थक चुकी हैं। अब सभी गांववासियों का सब्र का बांध टूट चुका है और विभाग के ऊपर कार्य में कोताही बरतने के लिए घेराव किया जाएगा। युवा देश का गौरव है, अगर युवाओं को अच्छी शिक्षा ना मिले तो देश बर्बाद हो सकता है, पर इस गांव में तो यही हाल युवाओं का नजर आ रहा है। स्कूल जाने से पहले पानी ढोकर घर पहुँचाना पड़ता है। कई बार स्कूल में लेट होने के बाद स्कूल में अध्यापक की भी मार खानी पड़ रही है, पर इस पानी की किल्लत ने ग्रामवासियों को परेशान कर दिया है। यही नहीं, बड़ी विडंबना का विषय तो ये भी है कि इस गांव के समीप एक खाले से 5 गांव के लोगों को उठाओ पेयजल योजना की स्कीम से जोड़ा गया है, जबकि यहां नजदीक इन ग्रामवासियों को पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। अब ग्रामवासियों ने विभाग को करारा जवाब देने का मन बना लिया है। जल्द ही इस पर गाँव के सभी युवा, बुजुर्ग और महिलाएं कार्रवाई करेंगे। हमारी समस्या है पानी की, हमें कम से कम 5 सालों से जो है वो जो लिफ्ट का पानी है वो नहीं आ रहा है। हम प्रशासन से भी बोल चुके हैं कि हमें कृपया पानी दें, पर वो प्रशासन भी हमारी नहीं सुन रहा है। और बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सारे कम से कम 2 किलोमीटर तक खड का पानी पी रहे हैं और खड से ला रहे हैं। बच्चे सुबह सवेरे उठ के ही वहाँ जाते हैं और उसके बाद ही स्कूल जाते हैं, जिससे कि वो स्कूल के लिए भी देरी होती है और जो टीचर्स है वो भी कुछ उनको बोल देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि इतने लेट क्यों हो। पर हम मजबूर हैं बच्चों को स्कूल लेट भेजने के लिए, क्योंकि पानी के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। पानी के बिना बड़े परेशान हैं, 3 साल से पानी नहीं मिल रहा है। हमने पंचायत में प्रस्ताव डाल दिया है, वो GIS जी के पास भी चले गए, कुछ नहीं हो रहा है। तो हम उनका घेराव करेंगे और पानी लेंगे। और यहाँ पे खजियार पे जो है ना पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ जो है ना 5 गांव के लिए पानी दिया हुआ है, लेकिन हमारे को लिफ्ट लगी है, पाइप बिछे हुए हैं, लेकिन उसमें जो है ना पानी नहीं आ रहा है। IPC वाले बोलते हैं कि कभी पाइपें नहीं, कभी हमारे पास इंजन नहीं, कभी हमारे पास शाकट नहीं, इसलिए यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पानी की खजियार में। और यहाँ से 5 गांव के लिए पानी दिया, लेकिन खजियार वाले पानी के बगैर परेशान है। इसलिए प्रशासन से जो है ना कहते अभी तक हमारा अनुरोध है कि अगर हो सके तो हमें जल्दी से जल्दी पानी पहुँचा दें खजियार के लिए। अगर आपको पानी ना मिला तो आप क्या करेंगे? तब तो हमें ये कि हम और जो और जगह लिफ्ट है ये बंद करनी पड़ेगी, यहाँ से तब जाके पानी देंगे खजियार के लिए।